हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले ऐसे इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू का जो कोई भी बिगिनर उसमें ट्रेड कर सकता है और पैसे कमा सकता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा इंडिकेटर हम लोग यूज करने वाले। इंडिकेटर का नाम है QQE। QQE का फुल फॉर्म है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। बेसिकली दोस्तों, ये इंडिकेटर क्या करता है, ये इंडिकेटर RSI जैसे ही काम करता है, जिसमें बहुत सारे लोग RSI आज की दुनिया में बहुत सारे लोग RSI का यूज़ करते हैं, ये भी इंडिकेटर बिल्कुल RSI का जैसे ही काम करता है। आप कह सकते हैं कि RSI का इम्प्रूव वर्जन है। वीडियो को शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकली और हम लोग EURUSD पे करेंगे। पहले हम लोग करेंसी पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको ट्रेडिंग व्यू पे आपके लॉगिन करना है, ट्रेडिंग व्यू पे आना है। उसके बाद आपको सिंबल सर्च पे जाना है और यहाँ पे लिखना है EURUSD। EURUSD आए, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखो दोस्तों, एक करेंसी फिर सिलेक्ट हो गई है। दूसरा है आपका कौन से टाइम फ्रेम में काम करना है। आप इसमें किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं और दोस्तों, मैं सजेस्ट करूँगा आप 30 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम में काम करें, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। हमने सिलेक्ट कर लिया 1 आवर ऑलरेडी 1 आवर के टाइम फ्रेम में। आपको भी 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लेना है और उसके बाद आपको जाना है इंडिकेटर्स। यहाँ पे देखिए, टॉप में इंडिकेटर्स का नाम दिखता है, आपको इंडिकेटर सर्च करना है और यहाँ पे टाइप QQE MT4। ये मेड बाय ग्लास को आपको सिलेक्ट करना है। ये देखिए, आपके चार्ट में ऐसे इंडिकेटर आपको दिखेगा, ये नीचे में आ गया है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, QQE को यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है और आपको सक्सेस रेट्स भी दिखाऊंगा मैं कि कैसे सक्सेस हो रहे हैं वीडियोस के ट्रेड, और साथ में मैं आपको एकदम परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लेना है, टारगेट कैसे लेना है, पूरा कवर करूँगा। वीडियो के साथ बने रही है और वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊँगा कि एग्जैक्टली ट्रेड आपको कैसे ढूंढना है, कैसे टारगेट लेना है, कैसे SL लगाना है। वीडियो के साथ बने रही है। देखो दोस्तों, जैसे आपको अगर बाय सेल एंट्री लेना है तो ये जो येलो लाइन दिख रही है आपको दिख रहा होगा, एक QQE में दो लाइन दिख रहा है, एक येलो है और एक रेड है। जैसे येलो लाइन रेड को क्रॉस करती है नीचे की तरफ, आपको यहाँ पे सेल एंट्री लेना है। जैसे ये है, यहाँ पे सेल एंट्री हो रही थी, यहाँ पे सेल एंट्री है। जैसे ही यहाँ पे, जैसे आपने देखा येलो एंट्री ने रेड को क्रॉस किया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको बाय एंट्री लेना है। ये बेसिकली फंडा है। जैसे ऊपर से रेड मतलब येलो लाइन जैसे ऊपर से रेड के तरफ नीचे आती है, रेड को क्रॉस करती है, आपको सेल एंट्री लेना है। जैसे येलो लाइन नीचे से ऊपर जाती है, रेड लाइन को क्रॉस करती है, आपको बाय एंट्री लेना है। एकदम सिंपल है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। चलो आगे बढ़ते, फिर भी ये एग्जैक्टली कब एंट्री लेना है मैं जब ट्रेड लगाएंगे हम तब दिखाऊंगा मैं। अभी देखते। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अब आप बोलेंगे सर तो यहाँ पे भी एंट्री हुई है, यहाँ पे भी बाय लेना है, यहाँ पे भी एंट्री हुई, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपका जो ये लेवल है, ये जो क्रॉस होता है आपको, ये अबव 60 होना चाहिए या बिलो 30 होना चाहिए। अगर अबव 60 पे भी क्रॉस होता है तो आपको सेल लेना है, बिलो 30 पे होता है तो आपको, जैसे मैं दिखा था फॉर एग्जांपल, देखिए अब ये क्रॉस कहाँ पे है, ये देखिए ये जो क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, आप पॉइंटर देख पा रहे हैं, ये देखिए ये जो पॉइंटर है यहाँ पे रेड लाइन ने नीचे क्रॉस किया, मतलब आपको सेल एंट्री लेना है, राइट। बट ये देखिए अभी इसका जो वैल्यू है पॉइंटर कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये नियर अबाउट 39 पे है। ये होना कितने बजे है, अबाउ 60 तभी हमें सेल एंट्री लेना है। यहाँ पे हमारी सेल एंट्री नहीं बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी फिर से अभी बाय एंट्री हुआ है, ये मतलब सॉरी रेड लाइन ने येलो लाइन ने क्रॉस किया, राइट। और ये अभी पॉइंटर कहाँ पे ही है, ये 41 पे ही है, तो अभी बाय एंट्री नहीं होगी, ये बिलो 30 होना चाहिए तभी हमें बाय एंट्री लेना। अगर हम लोग ऐसे एंट्री लेंगे तो हम लोग SL हो जाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जब भी एंट्री लेना है, ये जो हम जो भी क्रॉस ओवर होता है, ये अबव 60 होना चाहिए या बिलो 30 होना चाहिए। ये एक मेजर बात है जो हमें ध्यान रखना है। अभी देखते हैं हम लोग एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे मिली हमें, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग, सॉरी, ये कहाँ पे है, 51 पे है, राइट।
ये आ गया क्रॉस ओवर 54 के लिए, क्रॉस ओवर में ये देखिए अबो 60 पे हमारा क्रॉस ओवर मिल रहा है। देखिए ये जो क्रॉस ओवर है 61 पे, राइट। सो ये हमारा एग्जैक्टली एंट्री है, ठीक है। अब एग्जैक्ट एंट्री देखते हैं मार्केट में, ये देखिए, ठीक है। सो ये हमारी सेल की एंट्री है, ये देखिए ये क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। ये 63 पे क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। 61 63 के मतलब अबो 60 है, अबो 60 जो भी है अगर क्रॉस ओवर में तो हमें सेल की एंट्री लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल एंट्री लेंगे, शॉर्ट में कर देता हूँ। एक कैंडल पे हमारा क्रॉस हुआ, ये हमारा सेल एंट्री हुआ, ठीक है। ये हमारा सेल एंट्री हुआ, ठीक है। ये देख सकते हैं आप मार्केट नीचे जा रहा है, जा रहा है। ये देखिए हमें यहाँ पे मिला नियर अबाउट 80 पिप का प्रॉफिट मिला, राइट। सो मार्केट सेल की तरफ जा रहा है। मैं वैसे एक आपको बाय एंट्री दिखा देता हूँ, देखिए ये हमारी हुई एंट्री, ये देखिए, ठीक है। ये हमें एंट्री मिल रही है, ठीक है, 29 पे, ठीक है, 30 के नीचे है। सो हम लोग यहाँ पे बाय एंट्री लेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे लेते हैं बाय एंट्री, ठीक है। सो देखते हैं ये लाइन पे हुआ है, ठीक है ना, सॉरी ये लाइन पे हुआ, ओके। सो हमने बाय एंट्री लिया, ये हमारा एसएल, और ये देखिए हमारा टारगेट, यहाँ पे भी हमें नियर अबाउट 50 पिप मिला लेना है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि आपको टारगेट क्या लेना है, एसएल क्या रहेगा आपका। सो इसके लिए हम चलते हैं, हम उसके लिए दूसरा एक इंट्री यूज़ करेंगे, और वो इंडिकेटर रहेगा हमारा एटीआर बैंड, एटीआर बैंड, ठीक है। सो आपको इंडिकेटर पे आना है, एटीआर बैंड सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे मल्टीपल एटीआर बैंड दिख रहा है आपको, सो द टीआरडी फ्लोर का आपको एटीआर बैंड सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये हमने एटीआर बैंड ले लिया, अभी अभी देखते हैं कि हमें एसएल क्या लेना है। सो एसएल हमारे एटीआर बैंड के जो भी कैंडल पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं उस कैंडल का जो नीचे का लोअर बैंड है वो हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। सो हमने अगर ये कैंडल पे एंट्री लिए है अभी, ठीक है, सो हमारा ये यहाँ पे लोअर बैंड है तो ये हमारा एसएल हो गया, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो टारगेट हमारा रहेगा 1:1.5, ठीक है, 1:1.5, ये देखिए 1:1.5 हो गया, ये देख सकते हैं 1:1.5 से हमारा हो गया। ये देखिए हमारा टारगेट हिट हो गया है, ठीक है। अगर ये हम लोग यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, अगर यहाँ पे हमारा आगे पीछे भी एंट्री होती है तो हम लोग आगे वेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आगे भी हमारा एंट्री हमारा टारगेट हो रहा है, ठीक है। सो देखिए हमारा एसएल यहाँ पे थोड़ा सा इसके नीचे करते हैं हम लोग, और टारगेट हमारा 1:1.5 करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया लेकिन टारगेट हमें मिल गया, ठीक है। तो ये एटीआर बन गया, हमने दूसरा एंट्री कहा देखे थे, एक इधर देखे थे हमने सेल की एंट्री, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ये हमारी सेल की एंट्री थी, ठीक है। सो ये अभी यहाँ पे एसएल का रहेगा आपका, ये एक कैंडल की आपकी एंट्री थी, तो आपका एसएल यहाँ पे रहेगा ये लाइन पे एटीआर के ऊपर, और आपका टारगेट रहेगा 1:1.5। ये देखिए तो ये तो हमारा 1:2.27 का टारगेट मिला है, बट हम लेना है 1:1.5 का लेना है, और मार्केट से बाहर निकल जाना है, क्योंकि हर बार इतना लंबा टारगेट नहीं मिलेगा आपको। सो ये हो गया हमारा यहाँ पर टारगेट हिट। हम लोग आपके और इसके लिए हम लोग और एक एंट्री देखते हैं, बाय एसएल जो भी मिलती है। तो हमें देखना क्या है, आरएसआई पे जो क्रॉस ओवर होता है ये बिलो 30 या अबव 60 होना चाहिए, तभी हमें एंट्री लेना है, अदरवाइज एंट्री लेना है। वैसे क्रॉस ये तो क्रॉस ओवर बहुत बार होगा, बट हमें एंट्री नहीं, जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर 55 पे है, हमें एंट्री नहीं लेना है। हाँ ये 29 पे है ये जो क्रॉस हुआ, ये देखिए, ठीक है। सो ये क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है, 31 पे ये। सो
इट्स ओके 39। सो हम लोग यहाँ पे सेल बाई डिग्री लेंगे और लॉन्ग लेते हैं हम लोग, तो ये कैंडल पे हमारी बाई की एंट्री हो रही है। ठीक है, तो हमारा ये सेल ये बन रहा है इसके नीचे। ठीक है, और हमारा टारगेट ये रहेगा 1:1.5। ठीक है, ठीक है, ये 1:1.5 ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में हम लोग हम काम करते हैं हमारा 1 आवर की का ना, ये सेम आप बैक टेस्टिंग के लिए आप कर सकते हैं, हीरोज डेमो कर सकते हैं। सो इसका मैंने बैक टेस्टिंग भी किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप भी बैक टेस्टिंग करिए। अगर आपको बैक टेस्टिंग करना नहीं आता है तो इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाने वाला हूँ, आप ट्राई ज़रूर करिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आप इसको यूज़ करिए, प्रैक्टिस करिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि रिजल्ट कैसा है। आपको ध्यान रखना है जब जब भी आप बाई या सेल्फ इंट्री लेंगे तो बिलो 30, बाई की इंट्री बिलो 30 और अबो सेल्फ की इंट्री अबो 60, ये बहुत ज़रूरी है। सो इसका ध्यान रखिए, और जो आपको SL लाना है वो जो ATR बैंड के ऊपर या नीचे, वो टारगेट रहेगा आपका 1:1.5। सो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करना भूलें। मैं ऐसे आपको बहुत ही टेक्निकल और एनालिसिस वीडियो लाता हूँ, साथ ही साथ मैं अलर्ट्स भी देता हूँ, लाइव भी आता हूँ बीच बीच में, जिसमें मैं आपको लाइव सिग्नल देता हूँ गोल्ड के ऊपर, ETH के ऊपर, GBPUSD के ऊपर। सो आप वो भी सिग्नल यूज़ करके आप पैसा कमा सकते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।